चलो पैसों का नहीं सही, कम से कम मूड का सपना तो पूरा हुआ। रमेश जल्दी चल यार, लेट हो रहा है। रमेश अबे झाटू सुरेश, कितनी बार समझाऊं तुझे, वो वाला रूम ना है मेरा, ये वाला रूम है। अच्छा ब्रो भोपिंदर, ठीक कितनी बार समझा यार, रोजाना आके मेरे गेट पर बजाया कर, अगर अबकी बार बजा दिया ना तो तुझे बजा दूंगा साले। अबे जा चला ले यहां से साले के, मुझे बजा देगा आ लड़ा है। चल अरे यार भाई साहब यार अंदर रहो यार, इसे लड़ाई लड़ाई खत्म करो, कुत्ते गड़ा साथ करो, चलिए मैं। रमेश अगर चाहे बाप बंदूक न होगा ना तो उसे दो मिनट में भंग हो फिर मिला दूंगा। हाँ देखा मैंने, हट गई तेरी। अरे तू यार रात की बात सुन, रात तेरे भाई को ऐसा सपना दिखाई दिया है, एक गाड़ी उधर चल लिया, एक गाड़ी उधर चल लिया, और एक तेरा भाई नहीं होगा जिसने पैसे उधार लिया। हाँ मगर यार ये सपना पूरा कब होगा यार मेरा। अबे हाँ रमेश, मैं तुझे अपने सपने की एक बात और बताने तो भूल ही गया। वो बात जो बताई थी रूम पे, अबे वो दूसरी थी झाटू, ये दूसरी है। चल बता। तो तेरा भाई पता बस ए यू करके खड़ा, दो गार्ड आए तेरे भाई को कोट पहनाया, और फिर तेरा भाई ये नक्सलवाज में यू करके खड़ा हुआ और यू करके करा, एक गार्ड आया मुंह में सिगरेट लगाई, और फिर पता ना अचानक से कोई आदमी आया, ए भाई यार ये कुछ देना, तो मैंने जेब में हाथ डाला, 500 का नोट इकट्ठे उसके मुंह पर मारी ले पकड़। अबे बहुत पैसा था रमेश, बहुत पैसा था। बस यार ये सब हकीकत में हो जावे मेरे साथ। बेटे सुरेश, बिल्ली को हमेशा सपने में छींचड़ी दिखाई देते हैं, और लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, चला। अरे सर सर क्यों भगा रहे हो मुझे यार तुम? तेरी कोई जरूरत नहीं है हमारी कंपनी को, साले इतनी लेट आता। तुम बेटा एक काम करो, तुम जो है ना जाके सो। अब तो लेट तो वो भी आया, उसे भी भगाओ। अबे वो तो हमें गाल देवे, हमारा मुंह में लेवे, तू देगा तू लेगा तो बता। अबे जा टल जा साले, दिखाई मत दे जी आस पड़ोस में। अबे हाँ हाँ जा रही हूँ मैं भी, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी कंपनी की, और सालों तुमसे अगर सैलरी मांगो ना टाइम पे तो भिखारी बनना पड़ता। सैलरी दे दे भैया, तुम जब भी दे देते बहन के लड़ो, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी, जा रही हूँ। क्या कह रही है भाई साहब? यार रख लो, मैं तो बस यही कह रहा हूँ रख लो, कसम से बजर की नमाज पढ़ती सीधा ऑफिस में आ जाए करूंगा भाई साहब, तुमसे काम करूंगा भाई साहब, रख लो यार देखो रख लो। अबे चल जा साले नेस्ती, तुझे ना रखना हमें अपनी कंपनी में। अबे हाँ हाँ जा रही हूँ बहन के भोसड़ो, जुदाई खानो। अबे तुम ये फ्रॉड कंपनी चला गया सालों, अपने आपको 30 मार खा समझ रहे हो? अबे मोहल्ले में जाकर बता दूंगा सबको तुम नकली कंपनी चलाते हो, और हाँ इस गरीब की बद्दुआ लगेगी तुम्हें बद्दुआ। और मैं तो यूं कह रही हूँ, जब तुम्हारी 6 बजे ऑफिस की छुट्टी होवे ना तो सालो ट्रक के नीचे आ जाओ, खुरपे से छुटाना पड़ा तुम्हें खुरपे से। अच्छा दोबारा कहिए भाई साहब यार, दोबारा क्या मैं तो तिवारा कह दूंगा भाई साहब, रख लो यार देखिए यार कसम से यार, मेरे भूखे पेट की तुम्हें बद्दुआ लगेगी ना, तो रख लो यार। अबे चलो ना साले अंडा बॉस, तुम रखे नहीं है हम अपनी कंपनी में घोसड़ी के। ओ भैया वो आके गंडी हो ये छक्का, 15 रुपए सवारी, वो आके। ऐ मेरे मालिक, मैं तुझसे ये तो ना कह रहा तू मेरे 6 एक्स बनबा, लेकिन जितना मेरा पेट है इसे बस यहीं रोक दे, इससे आगे को मत बढ़िए। ओ भैया भाग के। ऐ मेरे ऑटो, तू टेंशन मत लिए, तुझे बड़ा होगा ना मैं ट्रक बनाऊंगा मेरे दोस्त। ओ भैया भाग के। अरे भैया बागड़ापुर चलोगे क्या? हमा मियाँ चलोगे तो तुम, हम तो लेके जाएंगे। आओ बैठो। अरे भाई ये रुमाल रखने का स्टाइल सैम टू सैम डिवाइन, डिवाइन के फैन हो गया आप? हमा मियाँ डिवाइन वो हमारा फैन है, भूल नहीं होते आके बात करते हो यार, बैठो। मैं बागपुर जाने के तो पहले हो गए 50 रुपए, सही लगा लो यार। मैं मियाँ ट्रेन की बात कर रहा हूँ,
पेट्रोल इतना महंगा हो रहा, मुझे तो डर है कहीं इधर की सीसी में आने लगे पेट्रोल। मैं क्या हुआ मिया, मेरे जॉब का हरी राय तुम्हें, बड़ी टेंशन में लग रहा हो। हाँ मैं टेंशन में हूँ, वो टेंशन की इतनी आदत हो गई है, जगह टेंशन ना होना किसी दिन तू भी टेंशन होने लगती है कि आज मेरे साथ सब कुछ सही क्या चल रहा। मगर तुम बहुत खुश हो। खुश हूँ अमा मिया, क्या बताऊँ, मेरे दोस्त ने मेरे मोबाइल में से मेरी पर्सनल सेटिंग का नंबर निकाल लिया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, पूरी रात बात करके मेरा दोस्त अपनी ही बहू से बड़ा खुश है बेचारा, बहुत खुश है। इसका मतलब तुम्हारे दोस्त की बीवी तुम्हारी सेटिंग थी? अमा मिया, इतनी देर से क्या मैं लंड कर रही हूँ, डांट भी डूंगा, तुम क्या बैठे रहो यार। अब भाई साहब इधर से लेके जा रहा हूँ, रॉन्ग साइड है ये, अब चेकिंग वाले खड़े रहे मैं यार। अमा मिया हम तो डर ही लेकर जाएंगे, वहाँ का भोवड़ा जो होगा देखा जाऊंगा, बैठ रहो आप। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, जब घर पे मालिक भी था और उसके नौकर भी थे तो फिर तूने चोरी करके से ली, बता। अमर दरोगा साहब, तुम्हारी अच्छी खासी जॉब है, 50-60 हजार रूपए सैलरी है, इन भाई साहब को भी 100-150 रूपए मिल जाते होंगे, मैंने चोरी कैसे करी तुम सीख के करोगे क्या? क्यों गरीब के पेट पर लात मारो, छोड़ दो ना यार साहब। अरे सुतरी के, मतलब हम तुझसे चोरी सीख रहे हैं, डाली तरह से गाड़ी बाबू। सर रॉन्ग साइड से होटल आ गया। अच्छा लान दो। साले रॉन्ग साइड से होटल आता, बाहर निकल। आजा बेटे, साले रॉन्ग साइड से होटल आ रिया, चलान कटेगा तेरा। अरे साहब जी चलान, बहुत ज्यादा गरीब आदमी हूँ साहब जी, 8 दिन से रोटी ना खाई, बिरयानी खा रही हूँ साहब जी, कुछ ले दे क्या कर लो। चल ठीक है, रो मत, कुछ ले देगा कर लेते हैं। लाओ तो साहब दे। अबे मैंने दे दिया, तू भी तो दे। हाँ साहब जी सही कह रहा हो तुम, जब ही तो होगा ले देखे कुछ। लो, बहुत ही गुड आदमी हो साहब जी तुम जैसा आदमी ना देखा मैंने अपनी लाइफ में। सलाम वालेकुम, चल लिए हुए। देखा, इसे कहते हैं ले देगा कुछ, मैंने उसे 60 दिए, उसने मुझे 10 दिए। लाओ तो साहब जी, इसमें से भी आधे आधे कर लो। ले खुला के ले, कहा 5 तू रखिए, 5 में रखूंगा। मैंने कहा था ना मत जा इधर से, रॉन्ग साइड है ये, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। लेकिन ना वहां को भोपड़ा जो होगा देखा जाओगे। ले फट गई, पिट गया ना। अमा मिया लंड में तो काटो मत, बारिश की कीचड़ में गिरा हुआ और पुलिस वाले से पिटा हुआ, दोनों एक ही बात हो मैं। अबे हाँ हाँ चल, बात है बच्चों दे, मुझे घर छोड़, मैं लेट हो रही हूँ, रोटी भी बनानी है यार मुझे। अमा मिया तुम्हें एक बात बताऊं, हमारे दादा के पास सारा सामान सोने का। अजी हाँ, ऐसा क्या क्या है भाई सोने का? तकिया सोने का, गद्दा सोने का, सोफा सोने का। रोक होटे भोपला के, रोक साले रोक। साले सुअर रोड का काट गया दिमाग में, एक तो सुबह से मेरा बैसी मूड खराब है, ऊपर से तू कर यार, मेरा घर पास में ही है, मैं पैदल पैदल चला जाऊंगा। अमा मिया पैसे ना चाहिए मुझे, पैसे वैसे। अबे भूटानिया के मेरे किराए के पैसे। अमा मिया, अबे अब क्या है, अबे अबे ले काम कर, मेरी गाड़ मान ले, ले आके ले ले नोरिया में। अबे साले मेरा नसीब ही खराब है जो तेरे ऑटो में बैठा, इससे अच्छा तो किसी गंदे के लड़के पीछे टक्का आ जाता मैं। अरे माँ का भोपड़ा मेरी जो तेरे ऑटो में आया, मैं लूसू बता क्या कर रिया। अपना बैग तो ले जाओ यार। ये अबे भैया बैग बैग, हाँ बैग में दो लाया था घर से, लाओ कहाँ है बैग। अम्मा मिया एक तो हम तुम्हारे सामान की रक्षा कर रहा है और तुम हमें सुना रहे हो यार। लो वैसे मिया बैग सच में तुम्हारा? हाँ यार मेरा ही है, ये भी कोई बात है कि सच में तुम्हारा? हटा छोड़ मेरे बैग को। अम्मा मिया क्या है यार, अब सच में बैग तुम्हारा है? अबे हाँ भैया मेरे ही है यार, ये मेरे ही है। भाई एक हेल लेकर आ। अबे क्या देख रही है झाटू, बैग मेरे ही है। We'll be right back.
अबे क्या देख रही है, बैग मेरे ही है झांटू। मैंने पूछा तुझसे। अबे तो मैं तो बता रही हूँ ना। अबे क्या देख रही है साले, बैग मेरे ही है। अरे क्या बदतमीजी है ये, और कौन है तू? Myself लियाकत। और भाई साहब आपने प्यार से चुनी चोर भी कह सकते हो। प्यार से तो मैं इसे भौसड़ी का ही कहूंगा। हजर अबे झाटू, और तुम यार बैग के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो भैया? इसके अंदर पूछना है। अबे मेरी बहू की चोली चड्डी है, मैं ससुराल पूछाने जा रही हूँ उसे। ले देख, ले ले देख, ये रही चोली, ये रही चड्डी। यार मेरी बहू भी यार कोई सा बैग देता है मुझे। चल चल लियो यार। अबे बॉस क्या करना है? अबे करना ही क्या झांटो, चल मोटी मुर्गी है। हेलो, अरे मैंने जो तुम्हें सुपारी दी थी उसका काम तमाम कर दिया ना? कर दिया क्या? हाथ पैर सब काट दिए? चलो तुमने मेरा काम करा, मैं तुम्हारा काम करूंगा। पैसे कब उछाने? क्या यहीं आ रहा हो? जल्दी आ जाओ। अबे बच गया, बच गया। अबे गाँव बसाना साले लुटेरे पहले ही आ गए। अबे जला कैसे कैसे तो ऊपर वाले की दिखा सीधी हुई है मुझ पर। घर को चल भाई, सीधा घर को। मियां घर ना गए अभी तक? अरे कोई काम था यार, इसलिए लेट हो गया मैं। जा रहा हूँ घर को मैं। अम्मा मियां बैजिया बैग ट्रक में तुम्हारा है? अबे हाँ मेरा ही है, मेरा ही है। चला ले यहाँ से साले। खैर। अरे ऑटो वाले भाई साहब यहाँ को आइए जरा। हाँ बता क्या कह रही है? यार मुझे मलकपुर जाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? अब तो मेरी तरह कमाना। वो कैसे? अरे यार स्टॉक क्रिप्टो और करेंसी जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करके। अरे इतने अलग अलग इन्वेस्टमेंट को इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा? अरे इतने सारे प्लेटफॉर्म की बजाय पॉकेट ऑप्शन यूज करना। पॉकेट ऑप्शन ये क्या है? अरे ये एक बाइनरी एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तू स्टॉक क्रिप्टो करेंसी जैसे 100+ एसेट्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है। और कोई फायदा? ये प्लेटफॉर्म तो मुझे यूज करना भी नहीं आता। बहुत सारे फायदे हैं। पॉकेट ऑप्शन आपको बहुत सारे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल प्रोवाइड कराता है जिसमें तू बहुत आसानी से ट्रेडिंग कर सकता है, और साथ में सोशल ट्रेडिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड कराता है जिसमें तू ट्रेडर्स को कॉपी करके पैसा कमा सकता है। इसमें तू 2 सेकंड में अपने ट्रेडर साइट को देख सकता है, बाकी एप्स में तो 7 सेकंड से ज्यादा लगते हैं। इस पे भरोसा कैसे करें? ऐसे प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिट और विड्रॉ करना बड़ा रिस्की होता है, बड़ा झंझट का काम है। अरे पॉकेट ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो $10,000 का वर्चुअल कैश भी दे रहा है डेमो अकाउंट में, जिसका यूज करके तू ट्रेडिंग सीख सकता है। और रही बात विड्रॉल की, वो तो तू अपने फोन पे जियो मनी वॉलेट लोकल बैंक ट्रांसफर से आसानी से कर सकता है। ये तो सही लग रही है, लेकिन इसको शुरू कैसे करें? अरे बहुत आसान है, इस पर बस तू अपना अकाउंट बना, $1 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर, और अपना प्रॉफिट बिना किसी कमीशन डायरेक्ट अपने वॉलेट या बैंक में ट्रांसफर कर। अब पैसे की टेंशन छोड़, ट्रेडिंग स्टार्ट कर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर। अरे यार ये तो बहुत सही है, इसको मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। इतना यार तुम मुझे मलकपुर तक छोड़ दो। थक साले, पहले पैसे कमा इससे, और जब किराए के पैसे हो जा तो आ जाइए मेरे पास। को अबे क्या देख रही है, जिसका ये बैग है उसे दे दे जाकर। क्या पता कोई अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लेके जा रहा हो। और मेरी माने ना तो एक काम कर, ये बैग ऑटो वाले को ही दे दे जाकर। मगर ये ऑटो वाले का बैग तो है ही ना। तो जिसका ये बैग है उसका पता निकाल और उसको ही दे जाकर। अबे कहां हो भोसड़ी वाले की बातों मारिया? अबे जरा सोच, जिन जिन लोगों का तेरे ऊपर कर्जा उनका तो यूं निपटा देगा, मजे करेगा। और हाँ रूम का रेंट क्या, अबे पूरा फ्लैट अपना खरीद लेगा। सोच। अबे वो तुझे गलत रास्ते पे लेके जा रही है, तू इससे फंस भी सकता है और तेरी जिंदगी भी खराब हो सकती है। देख ये बैग जिसका है उसको देख और उसको दे दे जाकर।
तू चुप बोल, चुप, मुंह मत खोलना बिल्कुल, जब भी वो खोल लिया साला हगिर गया। तू बोल कंटिन्यू बोल भाई। अबे बोलने क्या है, सब कुछ तेरे सामने है। हाँ तूने एक सपना भी देखा था? हाँ देखा था, वो भी तेरा पूरा होगा। अबे बहुत मजे करेगा तू, तू सही करेगा, तू गाड़ मारा मैं भूल गया। सुअर के बच्चे, बैग कहाँ है? भाई 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 बैग मैंने खोया है ना, बैग की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दो, मैं ला के दूंगा तुम्हें बैग। तुझे पता उसमें कितना पैसा था? उस पैसे से तू बूढ़े वाली में नहीं खरीदता था? कहाँ खोया तूने बैग बता? भाई जब वो बैग मैं लेकर आ रहा था, मेरे पीछे पुलिस पड़ गई थी, इसलिए मैंने पुलिस से बचने के लिए वो बैग ऑटो में रख दिया था। लेकिन भाई मैं उस ऑटो वाले को जानता हूँ, मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दो, तुम्हारा बैग तुम्हारे पास ला के दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बैग चाहिए, और अगर मुझे बैग नहीं मिला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चल निकल। थैंक यू भाई, थैंक यू। अबे ओ बुड्ढे, चल नीचे झाक, टाइम ना तेरे भाई के पास चल दिया। ओम फो, धर्राटे काट रिया बहनचोद, ओम फो, आ रही हो नीचे को? अब तक का कितना किराया हो गया मेरे ऊपर तेरे रूम का? ओम फो, आज तो पूरी फोम मैं धर्राटे काट रिया, ओम फो, रुक जा हिसाब देख के बता रही हूँ। रहने दे, हिसाब जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे हिसाब से ले, ये ज्यादा ही होगा पैसा, रख, ऐश कर, मौज कर। ओम फो, आज तो धर्राटे काट रिया। और बात सुन, ले ये भी पकड़ एडवांस, और एडवांस छोड़ यार तू, तू ले एक काम कर भैया, ले पूरा फ्लैट ही मेरा ले पकड़, और आज के बाद मेरा रूम खटखटाने की कोई जरूरत नहीं है, अब फ्लैट मेरा हो चुका है, समझा साले लिचड़। ओम फो, आप तो लौंडे ने धर्राटे काट दिए। अबे वो बिक्की, पहले तो मुझे सलाम कर। क्यों भाई क्यों? अरे सलाम वालेकुम भाई साहब। इतना पैसा था मेरे ऊपर उधार का तेरा, जो तू मुझे रास्ते मिलते मिलते टोके करा स्वर की तरह आए। ओफो, रुक जा तेरा हिसाब देखने दे। हिसाब देखने की कोई जरूरत ना, ले पकड़, और मेरा नाम काट देना हिसाब से, और सुन ये पकड़ एडवांस, और हल्के में मत लेना भाई को, तेरा पूरा ये खोका, ए पूरा खोका खरीदने की मत तकता तेरा भाई, और कभी मेरा दोस्त मेरा नाम लेकर कुछ लेना आवे तो मना मत करना, चलता हूँ साले ढोमची। मियाँ ऑटो मॉडल हो रहा हो? अबे हाँ हाँ चलिए अपना काम कर यार। मियाँ सुनो तो। क्या? वो बैग ट्रक में तुम्हारा था? अबे हाँ बैग के, वो बैग मेरा ही था। आज के बाद पूछ मत लिया गए। अम्मा मियाँ मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, कहीं से भी लाके दे, और अगर ना लाके दिए ना तो मुर्गे की जगह आज तुझे काट दिया जाएगा। पूरा 1 साल हो गया और आज मुझे पैसे चाहिए। चल बे गिरवन पे से हाथ हटा, क्यों पकड़ रखा तूने इसे? अम्मा मियाँ पूरे 1 साल से मेरे 25,000 रुपए नहीं दे रिया। 25,000 रुपए इस पे? हाँ। ले पकड़ तू, 30 पकड़, और आज के बाद इसे दिक्कत करना कभी भी। हाँ मियाँ तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो। हाँ चुप जा, चल भूख बंद कर ले, कभी तारे बारे में करवा दू साले, और तू ले तू भी पकड़ 30,000 रुपए, और सालो किसी से ऐसा उधार ना मांगते। अरे कितने भले इंसान हो भाई साहब तुम, थैंक्स। अरे चुप, थैंक्स मत बोल साले, सारा सामान उतारेगा यही, हट बैठ साले, आ जाना कहां भूखे नंगे। अरे मेरी जान कौन था ये, जो भी था मजा आ गया। अबे अच्छा हुआ तो मुझे यहीं मिल गया। बे मिल गया, वो बड़ा भला आदमी था भैया, 25 के 30 दे के गया। अबे ये छोड़, मुझे तो सो कुछ काम था इंगे कुआ। मेरी बात ध्यान से सुन, एक ऑटो वाला है जो डिवाइन की तरह रुमाल डालता है, और वो अपने ऑटो से भी बहुत प्यार करता है, वो ऑटो वाला कहाँ मिलेगा? अमामिया यही है क्या? अबे हाँ यही है, यही है। अमामिया ये तो हमारा रिश्तेदार है, चलो आओ मिलवाता हूँ। देखो मिया यही है उसका अड्डा, शाम को रोज 5 बजे चिल मारता और कभी कभी तो मुझे भी बुला लेता है, ही होगा देखो। उरा अमा मुन्ना भाई, अमा देखो तो ये कुछ कह रहे हैं। अरे जब उस लेके यहाँ से ऑटो खाली ना, भगा सा आजा। अमा मियाँ सुन तो लो। अरे सदाकत कैसे परेशान है?
अरे मैं परेशान ना हूँ, ये परेशान है, कुछ पूछने आए तुमसे। हाँ मियाँ पूछो। अबे मुन्ना भाई, तुम्हारे ऑटो में गलती से मेरा बैग रह गया था उस दिन। अबे मुन्ना भाई यार, बैग तो है ही ना तुम्हारे ऑटो में यार, उसमें मेरे बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, मुझे बैग चाहिए यार। हाँ मियाँ, बैग काले कलर का था या गोल गोल सा? हाँ। वो तो जिसका था मैंने उसे दे दिया यार। अबे दे दिया? अबे किसे दे दिया? अबे वो बैग मेरा था। अबे जल्दी चलो, किसे दे दिया यार जल्दी? हाँ बैठो बैठो मियाँ बैठो। मुझे पता है मियाँ किस पे है वो बैग। साले से जब भी पूछे करा तो यही कह करा, मेरा बैग मेरा। मिल साले तू अब। अरे मैं अमीर हूँ बैगड़ो, तुम गरीब हो, अब तो कुल कुल के पैसे मुझको उड़ाने दो। ला 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 ला। ओ मामिया, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ पहले। साला कभी भाग जा बे। ओ मामिया, ये तो वही है जिनने मुझे 25-30 दिए थे। अच्छा, मैं पैसे आकू। हम तो साला नुकसान में ही रह गए, ना उधर से मिले ना इधर से मिले। ढूंढवाने ही बेकार आया हूं मैं तेरे साथ। मामिया सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मां क्या हाल है? बढ़िया मियां। सच में वो बैग तुम्हारा था? हाँ। तुझे पता उसके अंदर कितना पैसा था? पूरे 7 करोड़ रुपए थे, पूरे 7। थे भाई साहब, थे। मैं कब मना कर रही हूँ, अब तो ना है, अब तो बस देखियो, बस ये बचे थोड़े से। अबे साले बैग कहाँ है? बैग भी है, मैं कब मना कर रही हूँ, लो लो देख लो, ये आ लो। होली से इसके अंदर कितने पैसे हैं? खोल तो रही हूँ भाई साहब, ऐसा मान लो 10,000 ये और 25 ये, 10,000 25 है टोटल। मां 34,000 पैसे की मादरचोद। अरे साहब आना रे, एक दो पैसे आए हुए तुम्हारे चक्कर में, दूसरे के पास भी जाना। अरे सुनो, तुम्हारी छुट्टी हो गई, तुम जा सकती हो। अरे साहब पहले बोलना चाहिए था ना, खामो खामे टाइम बर्बाद कर दिया। अमा मियां, मैं कह रही हूं जब ये ना ले रहे तो एक ग्राउंड हम तुम्हें निकाल लें। अरे क्या कह रही कलोडी, तुझे तो दूंगी, जब भी दूंगी ये नहीं दूंगी। हमारे साहब हर तक के पे 1,00,000 रुपए दे मैं आया वहां से भाड़ू। भोसड़ी के, हमारा पैसा यासियों में लुटा रिया, हर धक्के पे 1,00,000 रुपए दे रिया। अबे सुरेश, थैंक यू यार, तुमने अपने पैसों से हमें दुबई भेजा। ए तेरा भाई बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर खड़ा, यकीन न होता तो कसम से कह रही हूँ वीडियो कॉल करके देख ले। और हाँ यार, एक काम हो रहा है तुझसे, 2,00,000 रुपए और भेज दे यार, रशियन मंगाइए रूम पे। मांदर चोद, तुझसे भी एक पैसा वसूल ना कर लिया ना मैंने। साहब जी, मेरे हिसाब में से कितने पैसे कट गए? तू ऐसा मान ले 7 करोड़ में से 300 रुपए कम कर ले। और मिया, मेरे हिसाब में से कितने पैसे कट गए? तू भी ऐसा मान ले 7 करोड़ में से 300 रुपए तेरी मजदूरी और 35,000 का तेरा ऑटो। अब मिया 2,50,000 रुपए का मेरा ऑटो था, 2,50,000 का था, लेकिन सेकंड हैंड माल फ्री के बाद बिकता है बेटे। तुमने गलत आदमी से खुजा ली। और मियां मुझे कब छोड़ोगे? तू तो जिंदगी भर हमारे पांव दबागा। लो भले पैसे लिए, हम तो बेआईमी फंस गए।